औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वखैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके माँ बाप को, बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को, सबको लंबी से तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला जिनके वालदैन वफात पा चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन। जिनका कारोबार नहीं, अल्लाह ताला उनको कारोबार रोज़गार अता करे। जिनका कारोबार डाउन जा रहा है, अल्लाह ताला उनके कारोबार को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। अल्लाह ताला आपको कदम कदम पर आपकी हिफाजत फरमाए, अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे और अपने ख़जाने से आपको जो कुछ भी है सब बहन भाइयों को दे। तो जो मेरे मुल्क से बाहर बहन भाई गए हैं वो अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों जो जिस मकसद के लिए वो गए हैं, खैर वखैरियत से गए हैं, खैर वखैरियत से अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों में वापस आएँ, जिस मकसद उनका मकसद पूरा हो जिस मकसद के लिए वो गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि ये मैं मालूमाती वीडियो बनाता हूँ, आप सब बहन भाइयों के लिए बनाता हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले कि औलिया इकराम किन की नस्ल में से आ रहे हैं, किन की जो ख़ानदान में से आ रहे हैं। तो जितने भी औलिया इकराम ज़्यादा वो सादात ख़ानदान से आ रहे हैं। तो आज जो शजरा मुबारक लेकर आया हूँ, ये अजी शजरा मुबारक सैयद अब्दुल बारी अल मरूफ सैयद इमाम हाजी शाह, ठीक है जी। ये मनकीरा इनका जो है, इनका मज़ार जो है ना वो मनकीरा में है। तो ये इनके पोते, इनके पड़पोते, आगे इनकी नस्ल 3-4 मज़ार आते हैं इनके वहाँ पर मनकीरा में, ठीक है जी। तो वहाँ पर जो गद्दी नशीन है वो है जी सैयद दरबार अली शाह और सैयद मुजाहिद अली शाह। तो इन्होंने ये कहा था कि वीडियो बनाएं हमारे जो बड़ों की, उनके उन ताकि सबको पता चले कि ये किन की औलाद में से हैं और सैयद ख़ानदान में से हैं। तो इनका शजरा मुबारक कुछ इस तरह से है। हज़रत इमाम नकी अलैहिस्सलाम ऊपर तो आप सबको पता है कि ये मुकम्मल जो है ना वो मौला अली तक नाम जाते हैं। तो जहाँ से शुरू होता है, जिस इमाम से शुरू होता है वो वहाँ से शुरू करता हूँ मैं अक्सर। इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इनके बेटे सैयद जाफ़र सानी, इनके बेटे सैयद अली असगर, इनके बेटे सैयद अब्दुल्ला, इनके बेटे सैयद अहमद, इनके बेटे सैयद महमूद, इनके बेटे सैयद अबू मोहम्मद, इनके बेटे सैयद जाफ़र सालस, इनके बेटे सैयद अबू अलमोइत, उनके बेटे सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश। आगे दूसरी तरफ ये एक सुरख गुलाबी निशान जो है ना वो तीर का वो ज़ाहर कर रहा है आगे किसका बेटा कौन है। तो जलालुद्दीन सरकार के बेटे सैयद सुल्तान मोहम्मद गौस, उनके बेटे सैयद अबू सईद, इनके बेटे सैयद कमालुद्दीन, इनके बेटे सैयद नूरुद्दीन हुसैनी, इनके बेटे सैयद करीमुद्दीन, इनके बेटे सैयद अब्दुर्रहमान कबीर, इनके बेटे सैयद शाह जुनेद मुबरका पोश, इनके बेटे सैयद कुतुब आलम, इनके बेटे सैयद अब्दुल वहाब, इनके बेटे सैयद अब्दुर्रहमान नूर, उनके बेटे सैयद ईसा सैयद पीर ईसा शाह कताल, इनको ईसा कताल भी कहा जाता है। तो शाह दरमियान में उन्होंने जैसे लिखा था वैसे ही लिखा है। तो उनके बेटे आगे हुए हैं सैयद अब्दुल बारी अल मरूफ सैयद इमाम हाजी शाह, ठीक है जी। इनका मज़ार है जो मनकीरा में, सबसे बड़ा मज़ार इनका है। आगे इनके पोते आ जाते हैं, फिर इनके पड़पोते, फिर इनके आगे नस्ल जो आती है वो 3-4 मज़ार आते हैं इनके। इनके आगे मज़ार हैं सैयद नूर हुसैनी, इनके बेटे आगे सैयद दाना दरबार कलंदर, ये भी इनका मज़ार मनकीरा में है, हरीपुर हज़ारा, ज़िला हरीपुर हज़ारा। उनके बेटे शाह हबीब कलंदर, इनका मज़ार भी उधर ही है मनकीरा में। तो ये दोबारा पढ़ देता हूँ। इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इनके बेटे सैयद जाफ़र सानी, इनके बेटे सैयद अली असगर, इनके बेटे सैयद अब्दुल्ला, इनके बेटे सैयद अहमद, इनके बेटे सैयद महमूद, इनके बेटे सैयद अबू मोहम्मद, इनके बेटे सैयद जाफ़र सालस, इनके बेटे सैयद अबू अलमोइत, इनके बेटे सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बहारी, उनके बेटे सैयद सुल्तान मोहम्मद गौस, इनके बेटे सैयद अबू सईद, इनके बेटे सैयद कमालुद्दीन, इनके बेटे सैयद नूरुद्दीन हुसैनी, उनके बेटे सैयद करीमुद्दीन, इनके बेटे सैयद अब्दुर्रहमान कबीर, इनके बेटे सैयद शाह जुनेद मुबरका पोश, इनके बेटे सैयद
कुतुब आलम, इनके बेटे सैयद अब्दुल वहाब, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहमान नूर, उनके बेटे सैयद पीर ईसा कताल, उनके बेटे सैयद अब्दुल बारी अल मरूफ सैयद इमाम हाजी शाह। तो ये बहुत हाजी शाह के नाम से वहाँ पर मशहूर हैं। ज़्यादातर जो इनके वो कतबे पे नाम मुकम्मल लिखा हुआ है, सैयद अब्दुल बारी अल मरूफ जो है ना, जो पूरे इलाके में जो इनका नाम मशहूर है वो है जी सैयद इमाम हाजी शाह। तो आगे इनके बेटे सैयद नूर हुसैनी, इनके बेटे सैयद दाना दरबार कलंदर, इनके बेटे सैयद शाह हबीब कलंदर। तो ये जो मज़ार है ना चारे, ये मनकीरा में है, मनकीरा गांव में है। तो बहुत बड़ा गांव है, कस्बा लगा लें, गांव लगा लें, कस्बा लगा लें। तो वहाँ पर जो गद्दी नशीन है मनकीरा हरिपुर हज़ारा में, गद्दी नशीन है सैयद दरबार अली शाह, सैयद मुजाहिद अली शाह। तो ये शजरा मुबारक था सैयद अब्दुल बारी अल मरूफ सैयद इमाम हाजी शाह का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी किया करो। जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तहे दिल से उनका शुक्रिया, और जो सब्सक्राइब किए बगैर चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है, दिली गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी कहते हैं ना, एक अंगूठा, एक टच, उंगली से एक टच करना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता आपने। तो इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो इसी के साथ इजाज़त दें, फिर दोबारा नए शजरे के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।